नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। जब 23 मार्च को गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, तो इस दौरान हम देखिए बात करने वाले हैं। 23 मार्च से लेकर 14 मई का जो टाइम पीरियड है, 14 मई 2020 तक का, उसी के लिए, क्योंकि उसके बाद ये वक्री भी होंगे और ये वैसे मकर राशि में 30 जून तक रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे 14 मई 2020 तक, यानी वक्री काल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ओनली मार्गी काल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखें तो आपका जो लग्न और राशि चार्ट है उसमें ये फिफ्थ हाउस में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब मकर राशि में नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहां पर शनि का ट्रांजिट अभी आपके पंचम में चल रहा है और शनि के पास हालांकि इतना डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, पर फिर भी ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इतनी ज्यादा नेगेटिव तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि शनि के साथ इनके सम संबंध है ना, तो ये शत्रु हैं ना ही दोनों मित्र हैं। लेकिन यहां पर एक बात और है कि गुरु गुरु ऐसा प्लेनेट है जो बहुत सात्विक है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो जब ये नीच के हो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट तो नहीं देंगे, पर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आपको नीचत्व का भी दिखाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जो कि हम उसको हम मानते हैं हमारी संतान के लिए, और संतान का कारक तो गुरु है ही, आपको पता ही है। और यहां पर जब नीच का हो जाएगा तो संतान संबंधी प्रॉब्लम्स आपको आनी है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी है, आपको अपनी जो कलात्मक एक्टिविटीज हैं, मनोरंजन से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं, प्रेम संबंध जो हैं, उन सब में आपको दिक्कतें आनी हैं। अगर सट्टा जुआ लॉटरी जैसी चीजों में आप इन्वॉल्व हैं तो उनमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आनी है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए बहुत ज्यादा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपके लिए फिफ्थ हाउस में ये देंगे। अब बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी यहां से आपके नाइन्थ हाउस पर। नाइन्थ हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से पिता के साथ संबंध खराब कर देंगे, कहीं एजुकेशन के लिए कोई लंबी यात्रा आपको निरंतर करवा सकते हैं, लेकिन वो इतनी फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहेगी। साथ में यहाँ पर आपको कोई धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उसमें भी आपको सोच विचार कर डिसीजन लेना होगा, या फॉरेन ट्रेवल भी आपको दे सकते हैं। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, पिता के साथ रिलेशन प्रभावित होने से थोड़ा नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देंगे। साथ में नाइन्थ हाउस हम हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें भी थोड़ा सा आपको व्यवधान उत्पन्न होगा, या वो काम बनेंगे नहीं, या बनेंगे तो बहुत स्लो बनेंगे। अब बात करते हैं अगली जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी लाभ भाव पे। तो यहां पर आपको लाभ हो सकता है, लेकिन वो लाभ उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। सट्टा जुआ लॉटरी में आपको नुकसान भी हो सकता है और थोड़ा बहुत लाभ आपको कोई हो सकता है। अब लाभ भाव में हालांकि काफी अच्छे गुरु माने जाते हैं, लेकिन नीच का गुरु जब यहां दृष्टि डालेगा तो कमी जरूर करेगा, तो आपकी इच्छा पूर्ति में भी ये बाधा उत्पन्न करेगा। फ्रेंड्स के साथ धोखा हो सकता है, आपको आपके दोस्त धोखा दे सकते हैं धन संबंधी मामलों में या सपोर्ट करने संबंधी मामलों में। हो सकता है आप किसी के ऊपर निर्भर हो, दोस्त की बात जो है वो ना माने, नए दोस्त इस दौरान बिल्कुल भी ना बनाए, बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेने होंगे। इसके बाद फर्स्ट हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो फर्स्ट हाउस पर जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं तो आपको थोड़ा सा धर्म की ओर रुझान कम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने बारे में जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके गलत जा सकते हैं, खुद आप अपनी एजुकेशन को लेके संतुष्ट नहीं रहेंगे, एजुकेशन से संबंधित मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे हम आपको कोई भी नई वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना ना भूलें।